नमस्कार दोस्तों, अनिल चोपड़ा स्वागत करता हूँ आप सबका। दोस्तों, आप कोई भी फसल में बम्पर पैदावार लेना चाहते हो तो इसके लिए मैं ये वीडियो में आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो फॉर्मूला आपको बम्पर क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्शन देने के लिए सक्षम है। तो ये वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना चाहिए और सभी पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो तो आपको 100% कोई भी फसल हो उसमें आपको बम्पर प्रोडक्शन मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका सिंपल लॉजिक है। कोई भी फसल में आप बम्पर पैदावार चाहते हो तो उसकी नींव है लंबी, स्वस्थ और मजबूत जड़ें। जब तक आपके पौधे की जड़ें लंबी नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी और मजबूत नहीं होगी ना दोस्तों, तो वो पौधे में से हम अपेक्षा नहीं रख सकते कि उसमें से अच्छा हमें प्रोडक्शन मिल सके। इसलिए मैं लगातार कई बार अलग अलग क्रॉप में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रूट सिस्टम को ग्रो करने के लिए आप कुछ न कुछ उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। वो पौधे को ग्रोथ करने में भी उतनी मदद करती है और जब उसमें से हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेना है वो समय में भी हमें उतना ही ये रूट सिस्टम मदद करता है। दोस्तों, जब हमें कोई भी फसल में उसकी रूट सिस्टम को अच्छी तरीके से ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो पौधा लगाए उसकी जड़ों में अगल बगल में पानी की नमी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम ड्रिप सिस्टम का उपयोग करते हैं, फुहारा सिस्टम का उपयोग करते हैं या फ्लड इरिगेशन से हम पानी देते हैं तो कभी कभी जो पौधे में मिल गया वहाँ ज़्यादा मिल जाता है, कभी कभी कुछ पौधे रह जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से सभी पौधे का एक तरीका ग्रोथ नहीं मिलता है। इसका रीज़न भी यही है कि उसकी जड़ें प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाई। उसमें सबसे पहला रीज़न उसको पानी प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है, पानी की नमी प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है, आपको वो जड़ों में कुछ ना कुछ ऐसा डालना चाहिए कि पौधे की वाइट रूट है उसकी संख्या बढ़ाए और वही रूट को लंबी बनाने में भी उसकी मदद करे और वही रूट को तंदुरुस्त और मजबूत बनाने के लिए भी वो फॉर्मूला काम करे। इसके साथ साथ वो रूट को नरिश करने का भी काम करे, तब जाके ये पूरा रूट सिस्टम है वो अपना अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और हमें अच्छा ग्रोथ दे पाएगा, अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दे पाएगा। दोस्तों, मैं लगातार आपको रूट सिस्टम के ऊपर क्यों बात करता हूँ कि जब पौधे की जड़ें स्वस्थ नहीं रहेगी, अच्छी तरीके से खाना नहीं उठा सकती है, अच्छी तरीके से वो पानी उठाने के लिए सक्षम नहीं रहेगी, तो हम कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें या बेजल डोज डाला है उसका उपयोग करें, कोई भी खाद का हम ड्रिंचिंग करें, तो ये सारी फर्टिगेशन का या दवाई का कोई हमारे पौधे के ऊपर असर नहीं होता है। मतलब जितना हमें रिज़ल्ट चाहिए उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता है। उसका रीज़न है पौधे की जड़ें। तो पौधे की जड़ों को ठीक करने के लिए, उसको अच्छी ग्रो करने के लिए बहुत किसान बाज़ार से यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं, ऐसे अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो मैं भी आपको बहुत बार प्रवार करके एक प्रोडक्ट है उसका आपको सजेशन करता हूँ। तो मुझे कमेंट में ऐसा सवाल आया था कि प्रवार क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको थोड़ा वो भी बता देता हूँ कि रूट सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है और उसके ग्रोथ के लिए कैसी चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए। तो प्रवार मैं आपको बताऊँ तो वो एक कंप्लीट रूट एनहांसमेंट फॉर्मूला है जो जड़ों को लंबी बनाने में मदद करता है, वाइट रूट निकालने में मदद करता है, वही वाइट रूट को मजबूती प्रदान करता है और वही वाइट रूट को नरिश करने का भी काम करता है। ऐसा फॉर्मूला है, इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे घटक कंपनी ने डाले हुए हैं। ऑर्गेनिक एसिड कंपाउंड, कैलियम है, इसके साथ वाटर कैल्प एक्सट्रैक्ट है, बायो एक्टिव कार्बन है और समुद्री शैवाल भी इसके अंदर मिक्स करके ये पूरा फॉर्मुलेशन तैयार किया है। इसके साथ और भी मिनरल्स इसके अंदर डाले हुए हैं जो कंपनी ने ऊपर से नहीं बताए हैं। तो मेरा कोशिश सिंपल इतना ही रहता है कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये प्रोडक्ट आप यूज़ करना नहीं चाहते तो ऐसी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट रूट सिस्टम के लिए आप बाज़ार से कोई भी यूज़ कर सकते हो।
लेकिन ये वीडियो में मैं थोड़ा विस्तार से ये प्रोडक्ट का आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। और ये डिटेल्स के बारे में आपको थोड़ा अधिक जानकारी चाहिए तो मैं कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप अधिक डिटेल्स भी ले सकते हो। प्रवाह आर को हम उपयोग करें तो वो पानी के साथ घुला के हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम पानी में डालेंगे इसको तो वो पूरा एकदम डाइल्यूट हो जाता है, 100% वाटर सोल्यूबल ये प्रोडक्ट है। आप जैसे पानी में डालोगे ऐसे पूरा घुल जाएगा। हम रेगुलर अलग 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 फसलों में इसका उपयोग करते हैं रूट सिस्टम के बगल में, तो ये क्या बेनिफिट करता है, ये कमाल का प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बहुत शानदार परिणाम देता है। जैसे रूट सिस्टम के बगल बगल में हम डालेंगे तो जो रूट ग्रोथ कर रहा है उसमें से वाइट तंतु जड़ें ज़्यादा निकालने में काम करता है। इसके बाद वही तंतु जड़ है उसका लंबा ग्रोथ करने में काम करता है, और जो जड़ें लंबी बनी उसको मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो पुरानी जड़ें हैं उसको पूरा नरिश करने का काम करता है। तो ये उसकी एक्टिविटी थी जब उसमें हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद ये एक्टिविटी के कारण ये पौधे के अंदर मूवमेंट आती है कि जब हम पानी देते हैं और फर्टिगेशन करते हैं तो जो फर्टिलाइज़र हमने डाला वो पानी और फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से वहाँ से पौधा खींच सकता है। मतलब क्या हुआ, जितना भी हम पानी देते हैं जितना भी हम खाद देते हैं उसका हमें 100% रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं लगातार दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप जब भी कोई भी पौधा लगाओ उसकी जड़ों को तंदुरुस्त रखिए, उसकी जड़ों को अच्छी तरीके से ट्रीट करके रखिए ताकि हमारा पौधा है अच्छी तरीके से पानी और खुराक उठाने के लिए सक्षम रहे। अभी हम बात करते हैं कि प्रवार का उपयोग करना है तो कौन सी फसल में हम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आप उपयोग कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर ही क्रॉप है, बागवानी क्रॉप लगा है मेरे पास, और इसके साथ साथ मेरे घर के लिए वेजिटेबल क्रॉप लगाता हूँ तो मैं वेजिटेबल सभी क्रॉप के अंदर उपयोग करता हूँ। आप कैश क्रॉप में मतलब जो भी फार्मिंग करो सभी क्रॉप के अंदर ये प्रोडक्ट का हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्रॉप की जड़ें मजबूत रहनी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप प्रवार का उपयोग करें या कोई भी प्रोडक्ट का उपयोग करें आपकी तंतु जड़ें मजबूत रहनी जरूरी है। दोस्तों आप प्रवार का उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको पानी के साथ उसको मिक्स कर देना है, और उसको यूज़ करने के लिए आप ड्रिप सिस्टम के अंदर उपयोग कर सकते हो, फ्लड इरिगेशन के अंदर उपयोग कर सकते हो, स्प्रे करके भी उपयोग कर सकते हो, और छोटा बाग है तो उसमें आप ड्रिंचिंग कर सकते हो। छोटा पौधा है उसकी जड़ें बहुत लंबी नहीं फैली होती तो वहाँ पर आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। दोस्तों प्रवार उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोग कितना प्रमाण से करना चाहिए वो भी आपको जानकारी होना जरूरी है। दूसरी कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो उसका कंटेंट क्या है, किस हिसाब से फॉर्मुलेशन है, उस हिसाब से आप उसका उपयोग कर सकते हो रूट सिस्टम के लिए। लेकिन प्रवार का आपको उपयोग करना है तो आप हॉर्टिकल्चर बागवानी क्रॉप है उसके लिए आप 1 kg से 2 kg बागवानी क्रॉप में उपयोग कर सकते हो। वेजिटेबल्स क्रॉप है तो 1 kg से 1.5 kg के आसपास पर एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हो। और कोई भी फसल के अंदर आपको ड्रिंचिंग करना है तो जो पानी आप ले रहे हो वो 100 लीटर पानी के अंदर आपको 100 ग्राम मिलाना, यानी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिला के आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। ड्रिंचिंग करने के लिए 1 लीटर पानी में मिलाइए और 1 लीटर का जो पानी है उसको 250 ml पर प्लांट के हिसाब से ड्रिंचिंग करना है, उस हिसाब से आप पौधे में ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। बम्पर पैदावार की नींव है वो स्वस्थ लंबी और मजबूत जड़ें हैं, इसलिए दोस्तों मैं लगातार आपको जड़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करवा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेंट्रेट जड़ों से खिसक गया तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने ये वीडियो में जड़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों ये टेक्निकल पॉइंट था, ऐसे ही टेक्निकल पॉइंट लेके एक बार फिर नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।